नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड। पंजाब में विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त शेष है। 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। प्रदेश की चुनावी रेस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर लग रही है, जिसके बीच पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रखा है। बुधवार को ANI को दिए इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। सुनिए अपनी बात में उन्होंने क्या कहा। आपको समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुलका जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो, किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख। जिसके बाद आज पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूँ, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूँ। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। 100 साल के बाद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। भगत सिंह के चेले को आज सारे भ्रष्टाचारी मिलकर आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। केजरीवाल ने कहा कि आपने ऐसा स्वीट आतंकवादी नहीं देखा होगा जो सड़कें बनाता है, अस्पताल बनाता है और फ्री बिजली देता है। इसके बाद से केजरीवाल को अपने भगत सिंह वाले बयान पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही कुमार विश्वास द्वारा आरोपों पर भी विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार पर पलटवार कर रही हैं।